हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी धनतेरस के दिन आप कौन कौन से प्रमुख उपाय कर सकते हैं जिससे आपका जीवन समृद्ध और खुशहाल बन सके। धनतेरस को धनवर्ती त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस दीपावली के दो दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस की रात्रि को घर के दरवाजे पर दीपक लगाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर एक खोपरे का सूखा गोला ले और उसे ऊपर से काट कर उसमें आटा, पीसी हुई चीनी और पंच मेवे से निर्मित पंजीरी भर दे। इसे किसी पेड़ के नीचे ऐसे दबा दे कि गोले का ऊपर का ही भाग दिखाई दे। आप चुपचाप घर लौट आए, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धनतेरस पे लक्ष्मी और कुबेर का पूजन करें और सोने चांदी के आभूषणों की तथा बर्तनों की खरीदारी करें। इस दिन खरीदी गई वस्तु की जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। धनतेरस पर आयुर्वेद के देवता धनवंती की पूजा करने से जीवन में आरोग्यता रहती है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, आपके घर में आपका कोई प्रियजन किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहता है, तो आपको इस दिन विशेष रूप से धनवंती की पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन कमलगट्टे की माला माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। इससे आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता रहती है, आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती, देवी लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि धनतेरस के दिन आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, आपका घर परिवार खुशहाल रहे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके और वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि आप तक हमारे द्वारा नए नए अपलोड्स की जानकारी पहुंच सके और आप उनसे लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।